उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विपक्ष के सत्ताधारी पार्टी के विरोध में प्रदर्शन लगातार करती आ रही है, चाहे वो सी हो, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो। समाजवादी पार्टी ने हमेशा बढ़ चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया और विपक्ष के रूप में एक मजबूत जनाधार समाजवादी पार्टी का देखने को मिल रहा है, जहाँ अब आज हम आप तो मिलवाते हैं कि पूर्व महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की जो चार बार से लगातार महिला कमान महानगर की संभाल रही है समाजवादी पार्टी में मुन्नीपाल, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से आजम खान की रिहाई के लिए रामपुर से लखनऊ तक का सफर समाजवादियों ने तय किया और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने भी उसकी सराहना की और रिहाई की बात की। लेकिन आने वाला पर्व होली है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगी उन्हीं से जानते हैं और समाजवादी पार्टी के लिए उनका क्या कहना मुन्नी जी, आखिर बताएं कि समाजवादी पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, 22 के चुनाव के लिए किस तरह की तैयारी जमीनी स्तर पर आप लोग कर रहे हैं? अभी तक तो हम लोग प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं, महंगाई को लेकर के, हर चीज को लेकर के करते चले आ रहे हैं। सिलेंडर भी महंगा हो गया, गैस भी महंगी हो गई और दूसरे पेट्रोल भी महंगा हो गया है, तो गरीब आदमी किस तरीके से खाए। पहली बात तो ये है कि हम लोग आजम खान के लिए रिहाई की मांग करते हैं। आई है क्या कहते हैं रैली, जिसमें हम लोग ने सबने भाग लिया, पूरे लखनऊ ने भाग लिया है, जिसमें बहुत अच्छा रहा है। सराहना की हमारे अखिलेश, माननीय अखिलेश यादव जी ने सराहना की कि बहुत अच्छी ये रही, और हम आगे चाहते हैं कि हम लोग योगी से कभी डरेंगे नहीं और जितना भी प्रदर्शन हो सकेगा हम लोग करेंगे और योगी को बता देंगे 22 में अपनी सरकार ला के रहेंगे समाजवादी पार्टी के। 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार लाने का जो सपना आप लोगों ने देखा है, क्या लगता है वो पूरा हो पाएगा, उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, इसलिए कि हम लोग घर घर जा रहे हैं, हम हमारी टीम पूरी घर घर जा रही है। भूपति शुक्ला भी हमारे साथ जा रही है, अनिता हमारे श्रीवास्तव हमारे साथ जा रही है, बंद्रा चतुर्वेदी भी हमारे साथ जा रही है, हमारे साथ क्या कहते हैं वो लता भी जा रही है, सबनम खान भी जा रही है, पूरी टीम हमारे साथ जा रही है सबके घर घर बताने की हमारे अखिलेश भैया ने ये काम किए हैं, उनको सब पूरी काम की बताते हैं और विद्या कन्या धन की भी बताते हैं कि 1000 मिलेगा अब की जब हमारी सरकार आएगी, और निश्चित हमारी सरकार आना है और ये हम ताना सा सरकार को हटाना चाहते हैं हम लोग पूरी टीम मिलके, जनता भी हटाना चाहती, जनता बहुत मजबूर है, दिल्ली में देख लीजिए कितने कांड हो रहे हैं, किसान कितना परेशान है, उनको दिखाई नहीं देता। हम मांग करना चाहते हैं इस सरकार को उखाड़ के फेंके जनता। ठीक है, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आखिर जिस तरह से समाजवादी पार्टी काम को लेकर, मतलब काम बोलता है, जिस तरह से उनका एजेंडा रहा है उसी को लेकर 22 के चुनाव में जनता के बीच महिला सभा की टीम लगातार समाजवादी पार्टी की योजनाओं को बताने निकली थी कि आखिर जो पूर्व की सरकार में समाजवादी सरकार रही तो उन्होंने क्या क्या कार्य किए और आने वाले समय 22 के चुनाव में अगर सरकार बनती है तो क्या क्या काम वो करने वाले हैं। ये थी चर्चा सपा नेता मुन्नीपाल से। अब जानते हैं कि होली पर क्षेत्रवासी, क्षेत्र की जनता को, देश की जनता को क्या कहना चाहेंगी? जी क्या कहना चाहेंगी? उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि खूब अच्छे से रंग खेलें, ऐसा रंग ना खेलें जो उनको कोरोना की वजह से परेशान होना पड़े, बड़े अच्छे से रंग खेलें और बीमारी का ख्याल रखें और खूब अच्छे से होली मनाएं, खुशी मन होली मनाएं। होली के बाद हम लोग फिर निकल जा ही रहे हैं, हम लोग घर घर जा ही रहे हैं और हम लोग को जाना भी है और सरकार बनाना भी है। ठीक, तो एक महिला और भी है, आपको बता दें, उपाध्यक्ष है जो उनसे भी जानते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। मैडम क्या नाम है? मेरा नाम है नगर उपाध्यक्ष विभूति शुक्ला, समाजवादी पार्टी क्या से कहना चाहेंगे होली पर? होली पर यही कहेंगे कि सभी भाइयों से निवेदन है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए अपना कहते हैं रंग खूब अच्छे से खेलें, खूब एंजॉय करें और पार्टी योगी सरकार के विरुद्ध जो हम महिलाएं कार्रवाई कर रही हैं सब, उसको भी कहते हैं ध्यान में रख करके हम लोग होली के पर्व के साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि कहते हैं महिलाओं के साथ महिलाओं से मिलेंगे और समाजवादी पार्टी के लिए कार्य करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं सरकार बनाने की, सरकार बनाएंगे 2022 में, हर हाल में अपनी सरकार बनाएंगे। ठीक है, ठीक है।
तो ये थी महिला नेता विभूति, जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से चीजों को समाजवादी पार्टी कर रही है और वहीं 22 के चुनाव में तैयारी भी कर रहे हैं कि आखिर 22 के चुनाव में जो मुद्दा होगा, जो समाजवादी पार्टी के निचले स्तर के नेता, जो जमीनी स्तर के नेता है, जो जनता के बीच, लोगों के बीच जाकर सरकार की योजनाओं को जन जन तक बताने का काम कर रहे हैं, वो किस तरह से सरकार के जो पूर्व सपा सरकार रही उसकी योजनाओं को, उसके कार्यों को जनता को गिनाएंगे। और आने वाले चुनाव में ये भी बता रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो बेहतर विकास समाजवादी सरकार करेगी। विश्व मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।